ऐसा हमसे बोला जाता है कि सबर का फल मीठा होता है, कुछ ऐसा ही हुआ हम लोग के साथ कल। दो दिन वेट किया, उसके बाद जाके मनाली और इसका आसपास के एरिया में तगड़ा वाला स्नोफॉल हम लोग को दिखने को मिला। इट्स काइंड ऑफ वेट स्नो, तो अभी बाहर जाने से भीगने का फुल चांसेस है। आज होने वाला है ट्रैवलिंग टुवर्ड्स धर्मशाला मैक्लियरगंज। यहाँ से मनाली से धर्मशाला पहुँचने में ऑलमोस्ट लग जाएगा 7 घंटा। उससे पहले एंजॉइंग दिस ब्यूटीफुल वेदर विद दिस हॉट चॉकलेट। अभी थोड़ा बहुत जैम दिख रहा है आप लोगों को, तो उसी के लिए हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि कब ये रास्ता खुलेगा और हम लोग जा पाए मनाली पे। जाओ उधर भी स्नोफॉल की वजह से अटल टनल के आसपास बहुत लंबा 1-2 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम रहता है। दिस टाइप ऑफ ट्रैफिक जैम आर लाइक पार्ट एंड पार्सल ऑफ माउंटेन लाइफ, कांट हेल्प। खुल जाएगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी हम लोग मंडी पे है, धर्मशाला से और भी 3-4 घंटे का जर्नी बाकी है। अभी ये रास्ता जितना देर तक जाम लगा हुआ है, तो ड्राइवर भाई साहब ने बोला कि इधर एक अच्छा वाला पंजाबी ढाबा है, होटल सेवल माइल एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पे लंच वगैरह कर लो क्योंकि रास्ता खुलने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग जाएगा। इधर एक व्यू पॉइंट भी है, इधर से भी दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है पूरा जगह। खाना लेके बाहर भी बैठ के खा सकते हैं, और उधर जाम भी लगा हुआ है बहुत लंबा वाला। तो रेस्टोरेंट का बैल्कनी का व्यू कुछ ऐसा है जहाँ से आप लोगों को पूरा ये जगह का व्यू देखने को मिलेगा। इधर तो बर्फ नहीं है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी इंस्टेड ऑफ स्नो हियर। बहुत सारे लोगों का घर इधर दिख रहा है। Let me show you what we got in our lunch. Full butter chicken, paneer bhurji, tandoori roti. So we'll be dividing among ourselves. Let's have the first bite of this tandoori butter roti and butter chicken. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था नॉन वेज मिलेगा, बट पूछने से मिला कि हाँ नॉन वेज है, अवेलेबल है। So a very good morning from MacLeodganj. कल शाम को हम लोग जब मैक्लियरगंज पे पहुंचे तो इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 1 at midnight, बिकॉज वो ट्रैफिक जैम की वजह से हम लोग को 6 घंटा वहाँ पे रुकना पड़ा, बट कुछ कर नहीं सकते, दिस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ माउंटेन लाइफ। एंड इज द नेक्स्ट डे एंड 4th डे ऑफ आवर हिमाचल डायरीज। मैं आप लोग को थोड़ा दिखा देता हूँ कि पूरा जगह का व्यू कैसा है। यू कैन हैव ब्रेकफास्ट हियर। हाय अर्नब। हाय। बट हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं, सिर्फ रात को आके सो गए थे, तो ज़्यादा रिव्यू नहीं दे पाएंगे, बट द कैफे एरिया लुक्स नाइस, अच्छा व्यू भी मिल रहा है यहाँ से। या लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम द बालकनी। देख लो ये पूरा मैक्लियरगंज और टाउन का व्यू है। अच्छा एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में लिखा था बी वेयर ऑफ मंकीज। यू कैन सी द मंकीज आर क्वाइट मिस्चीवियस हियर एंड दे आर रोमिंग हियर एंड देयर, सो यू नीड टू बी अ बिट केयरफुल। सी इट इज रिटन हियर, बी वेयर ऑफ मंकीज। यहाँ पे बैठ के भी आप काम कर सकते हो और नाश्ता पानी भी कर सकते हो, काफ़ी स्पेसस है, नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन्ड है। लेट मी शो यू द रूम व्यू ऑफ द होस्टल एट मैक्लियरगंज। दिस इज द बंग बेड ऑप्शन दैट वी टुक। यहाँ पे 6 लोगों का रहने का इंतजाम है, 6 बंग बेड आप लोगों को दिख रहा है। इधर अलग से लाइट चार्जिंग फैसिलिटी भी है,
मेरे को तो बहुत पसंद आया। पहले भी मैं हॉस्टल में भी रुका था, बट हॉस्टल से मुझे ये हॉस्टलर का स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे ये 6 बेड छोड़ के उधर 4 बेड का भी ऑप्शन है, एंड यहाँ पे बैठ के आप काम भी कर सकते हो। सो या ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड रूम। वन प्रॉब्लम यू कैन फेस इफ यू आर न्यू टू दिस मैकलियरगंज एरिया, यहाँ पे बहुत सारा रास्ते का मोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। जीपीएस में भी लेट से अपडेट ले रहा है। 2-3 जगह घूम के हम लोग फाइनली जाके डेस्टिनेशन पे पहुंचा। दिस रोड लीड्स टू द एक्चुअल मॉल रोड ऑन द टॉप, एंड राइट नाउ वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डे स्टे, दैट इज द हॉस्टल। हॉस्टल का जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा नीचे की तरफ है, सीढ़ियों से चलते हुए हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा। मेरे को दिख रहा है उधर है, जानबूझ के दो अलग अलग स्टेकेशन चूज किए, बिकॉज हम लोग को दोनों जगह का वाइब्स लेना था। दैट्स वाई वी चोज हॉस्टल ऑन द सेकेंड डे। फर्स्ट डे हम लोग का स्टे था एट द हॉस्टलर, वो भी प्रॉपर्टी बहुत सही था, वो वीडियो तो आप लोग देख ही चुके होंगे। यहाँ पे 2 लोग रह सकते हैं, 2 लोगों का एकोमोडेशन यहाँ पे है। रूम काफ़ी स्पेसस, नीट एंड क्लीन है। बैल्कनी से भी साइड का माउंटेन का व्यू तगड़ा आ रहा है। इधर दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बट जो भी व्यू है ये साइड है। इधर चारों तरफ कैफेज और शॉल पश्मीना का बहुत सारा दुकान है। मेरे को ये बात समझ में नहीं आता, इतना छोटा सा गली में कैसे ये लोग इतना गाड़ी घुसा देते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट यू कैन सी लॉट्स ऑफ कैफेज ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड, बट वी गॉट रिकमेंडेशन अबाउट जिमीज किचन। The cafe that I was talking about, this is the one, Jimmy's Italian Kitchen at MacLeodganj Mall Road. तो ऊपर जाके देखते हैं ये जगह इतना फेमस क्यों है। Honestly speaking, Jimmy's Kitchen आने का जो recommendation मिला था हम लोगों को, क्यों आना चाहिए? Now you will see why I am saying it is worth. इधर से पूरा MacLeodganj town का vibes मिलता है, ऊपर से पूरा aerial view. इधर cafe पे आप लोग pizza, टी, कॉफ़ी एंजॉय करते हुए ये पूरा जगह का व्यू एंजॉय करो। और आज वेदर काफ़ी क्लियर है, ब्राइट सनशाइन कंपेयर टू द लास्ट टू डेज बहुत बारिश हुआ था यहाँ पे। सो वी आर डन हियर एट जिमीज किचन। खाना वाज क्वाइट गुड। हम लोगों ने 2-3 अलग अलग आइटम ऑर्डर किया था, उसका भी फोटोज वीडियोज़ मैंने लिया, वो वाला क्लिपिंग्स भी आप लोग देख लो। तो अभी प्लान है मॉल रोड में घूमने का, 2-3 और जगह रिकमेंडेशन पे है, वो जगह जाना है। मॉल रोड जाते हैं पहले, उसके बाद आज तो पूरा दिन ही मैकलेटगंज में रुकने वाले हैं। तो देर आर 2-3 रिकमेंडेशन ऑफ कैफेज, बेकरीज, तो उधर भी जाएगा और आप लोग को दिखाएगा कि वाई यू शुड विजिट दिस प्लेस। मैकलेटगंज मॉल रोड के बीचों बीच अभी हम लोग खड़े हैं। देर इज अ स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन दिस साइड। दिस इज द टैक्सी पार्किंग एरिना, यहाँ से आप लोगों को कहीं पे जाने के लिए गाड़ी वगैरह मिल जाएगा। बट अगर आपको जाना है टुवर्ड्स मॉल रोड, वो रूट है नीचे, ये रूट। मैंने अभी यहाँ से ये ब्लू कलर का मफलर खरीदा, काफ़ी यूनिक कलर है और मेरे को पसंद आ गया, एक झलक देखने से ही पसंद आ गया। प्राइस वाज लाइक 200, थोड़ा बार्गन करना पड़ा। ऊल का टोपी, जैकेट सब कुछ है। मेरे को अभी एक जगह मिला जहाँ पे सिर्फ मफलर बिक रहा है, बहुत सारा यूनिक कलर का मफलर्स, पूरा पहाड़ी स्टाइल में, पहाड़ी वाला स्वैग, बहुत ही यूनिक कलर है मफलर्स का। वन थिंग आई अंडरस्टूड व्हाइल वॉकिंग थ्रू दिस मॉल रोड एट मैकलेटगंज, यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आपका पॉकेट तो खाली होने वाला है, क्योंकि इतना सारा सही वाला यहाँ पे चीज़ बिकता है ना चारों तरफ। होम डेकोरेशन से स्टार्ट करके ये उलन मटेरियल सब कुछ इधर सस्ते में मिलेगा। थोड़ा बहुत दुकान पे जाओगे तो कॉस्टली मिलेगा, बट रोड साइड जितना भी दुकान है उधर बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो पैसा लेके आओ, पॉकेट खाली होने वाला है।
अभी चलते चलते हम लोग अभी मॉल रोड पे एक बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर आए और पीछे का जो साउंड चल रहा है इट इज़ द साउंड ऑफ द प्रेयर। भीड़ कम ही है आज और यहाँ पे एंट्री करने के लिए कोई टिकट प्राइस भी नहीं है। आप लोगों को जो गोंडोला राइड मैंने दिखाया ये मंदिर के पीछे है, इसका रूट इधर से गोंडोला जाता है टुवर्ड्स धर्मशाला। ये बुद्धिस्ट टेम्पल का एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक और सही था, मेरे को तो बहुत पसंद आया। अंदर सब लोग बैठ के प्रेयर्स कर रहे थे, हम लोग भी वहाँ पे बैठे और थोड़ा बहुत टाइम बिताया। वैसे लास्ट ईयर जब हम लोग लद्दाख गए थे वहाँ पे भी कुछ सिमिलर टाइप ऑफ वाइब्स हम लोग को मिला था। हेचकेन चेलिंग टेम्पल और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज देयर इज नो एंट्री फी। सो वी आर हियर एट डाकिनी हाउस मैक्लियटगंज, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मस्त से हम लोग ऐसा वाला एक जगह ढूंढ रहे थे जहाँ से पूरा शहर का व्यू मिलेगा, इतना शोर नहीं होगा, लोग कम होगा, एंड कुछ ऐसा ही जगह हम लोग को मिला। देखिए पूरा पीछे का व्यू यहाँ से आ रहा है, पीछे धौलाधार रेंज, एट द सेम टाइम इट इज़ ब्राइट सनशाइन टुडे। सो यहाँ बैठ के आज हम लोग चिल करने वाले हैं। अभी इसका पूरा सेटअप देख लो, यहाँ पे कोई लोग वगैरह कुछ नहीं है, हम लोग ही पहले कस्टमर है। अंदर थोड़ा बहुत लोग है बट ये बाहर का जो व्यू है दैट इज़ अनमैचेबल। जस्ट थिंक यू आर हैविंग योर कप ऑफ टी और कॉफ़ी and enjoying this beautiful backdrop. Jimmy's Kitchen number one cafe है ऐसा बोला जाता है as per the people's choice, but ये cafe का खाना तो अभी तक मैंने taste नहीं किया, but जो view है, नज़ारा है, that is next level. जहाँ पे आज हम लोग रुक रहे हैं जॉस्टल, वो एकदम नीचे ही है, just walking 100 meter, उससे बहुत नज़दीक है और जो पीछे का view आ रहा है मस्त। So I am having this blueberry smoothie and enjoying this beautiful backdrop of MacLeodganj. Enjoy. Cheers. There is a common saying about this place Dharamshala that if you come and stay for 2 days at this place then you will definitely fall in love with this beautiful town Dharamshala. Dharamshala ka jitna bhi sightseeing hai aaj wo karne wala hai and I am accompanied by Arnav and my friend Tashkir from Guwahati. Say hi. Hi. The roads are very narrow here. Still continuously the small cars are passing by. Problem hota hai pedestrians ke liye, chalne firne mein thoda dikkat aa jata hai. तो धर्मशाला का पहला साइट सीन में विल बी हेडिंग टुवर्ड्स सेंट जॉन्स चर्च, जहाँ पे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति लगा हुआ है। उससे नीचे लेफ्ट वाला ये रूट आपको पकड़ना है और सीधा जाना है नीचे लगभग 1.5 किलोमीटर। सेंट जॉन्स चर्च इधर से 1 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या क्या है, करेरी लेक, गुन्ना माता टेम्पल एंड डल लेक। अच्छा कश्मीर का डल लेक का नाम इधर भी है। तो यही रास्ते से 1 किलोमीटर सीधा चलना पड़ेगा टूरिस्ट सेंट जॉन्स चर्च। वी आर हियर एट द सेंट जॉन इन द वाइल्डनेस चर्च एट द अपर धर्मशाला एरिया।
बिल्ट इन द ईयर 1852। तो इधर से हम लोगों का एंट्री पॉइंट, अगर एंट्री फीस होता तो स्टार्टिंग में ही होना चाहिए था। स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द एंटायर चर्च बिल्डिंग। सो पॉइंट टू बी नोटेड, लाइक दिस इज नियो गॉथिक चर्च व्हिच वाज बिल्ट एज एन होमेज टू द जॉन द बैप्टिस्ट। हियर यू कैन रिमूव योर शूज एंड गो इनसाइड एंड चेक इट आउट। लॉर्ड एल्गिन, वन ऑफ द वाइसरॉयज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, उसका बेरियल ग्राउंड भी इधर ही है। पेड़ आप लोग देख रहे हो ना, ये सब देवदार ट्रीज है। एंड दिस चर्च बिल्डिंग इज लाइक स्टैंडिंग इन बिटवीन दिस डेंस देवदार फॉरेस्ट। यू नीड टू टेक ऑफ योर शूज हियर एंड गो इनसाइड। बहुत ही सुंदर है व्यू। स्ट्रक्चर देखो, वो एकदम लगता है ना पुराने ज़माने का स्ट्रक्चर वैसा ही है। एंड इसको वेल मेंटेन किया है ये लोग। यहाँ पे चारों तरफ और भी बहुत सारा बेरियल पॉइंट है, नाम तो सब में लिखा नहीं है, बहुत पुराना लग रहा है। ये सब रेनोवेट भी ये लोग करते नहीं है, नाम लिखा होगा पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। ओके, डाइड इन द ईयर 1871, बहुत पुराना है भाई। कभी कभी ऐसा लगता है ये बड़ीगल ग्राउंड पे अकेले अकेले घूमना कैन बी हॉन्टिंग, अगर तुमको वो भूत प्रेत का डर लगता है तो। वैसे हम लोग तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वीडियोस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभी वो फील आता है, थोड़ा अजीब सा, थोड़ा स्ट्रेंज फीलिंग। आर्किटेक्चर बहुत ही बढ़िया है एंड इधर सिटिंग कैपेसिटी भी बहुत है। यू कैन सी लाइक लॉट्स ऑफ सिटिंग प्लेसेस आर देयर। अंदर जाके मैंने देखा फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज प्रोहिबिटेड, रिटेन तो है बट कोई मान नहीं रहा है, सब लोग उठा रहे हैं। मैंने भी उठाया, थोड़ा बहुत रूल तोड़ा। अभी तो भीड़ एकदम नहीं है, शायद कोई ओकेशन पे या पर्टिकुलर 25 दिसंबर में बहुत भीड़ होता है। चलो फिर मूविंग टू द नेक्स्ट स्पॉट। क्या मोमो है? चिकन मोमो। मोमो तो है ही, उसके साथ सिद्धू। सिद्धू दिखा दीजिए थोड़ा। ये इसको सिद्धू बोलते हैं। ये बनाने में कितना टाइम लगता है? 2-4 मिनट लग जाते हैं। और बता मोमो कैसा है? खाया नहीं तक। गुड विथ सॉस, जस्ट हैव इट। जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द अनदर आइकॉनिक थिंग ऑफ धर्मशाला, वेरी न्यूली बिल्ट, दैट इज धर्मशाला गोंडोला राइड। वैसे कश्मीर में पहले गोंडोला राइड कर चुका हूँ, कश्मीर और ओली में। ये धर्मशाला का एक्सपीरियंस भी देख लेते हैं चलो। एंड वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, दिस इज अ टाटा एंटरप्राइज। दिस एंटायर रोपवे वॉज बिल्ट इन द ईयर January 2022, वेरी रिसेंटली, 2 साल का पुराना है। इतना पहले इतना हाइप इतना नहीं था। अभी यहाँ से धर्मशाला तक डायरेक्टली हम लोग जा सकते हैं। टू एंड फ्रो इट विल बी अराउंड 25 मिनट का राइड है। तो लेट्स सी हाउ द राइड इज गोइंग टू बी। आई एम प्रेटी श्योर इट विल बी अ जॉय राइड। This is the checking point of the ropeway and this is the ticket counter part. Up and down from Macleodganj to Dharamsala is 675. One way agar aapko jana hai, that is 450 rupees. But hum log dono side ke liye ticket le rahe. So we got the tickets, which is valid for the next 3 days for round trip ke liye. Last jo round trip agar Dharamsala se Macleodganj jana ho, to uska timing hai 5:45 PM in the evening. The things prohibited when you are on board. ये आ गया। तो मैक्सिमम 8 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, बट हम लोग 4 लोग हैं। बट इसका फ्रीक्वेंसी बहुत सही है। अभी एक गया, दूसरा और आ रहा है। क्या हो गया भाई, डर लग रहा है? चलो चलो। ये आ गए हम लोग अंदर। ब्रो। We'll be right back.
लोग चार ही लोग हैं और कोई बाहर का आदमी नहीं है। सो या भाई पूरा बोल सकते हो पूरा गंडोला हम लोग का ही है, हम लोग ही यहाँ पे राज करने वाले एकदम। ये हो गया वन साइड का राइड। राइड वाज क्वाइट एक्साइटिंग। 12 से 15 मिनट का राइड था वन वे। आने के टाइम पे वो वाला फुटेज भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। इट्स नाइस नाइस नाइस, डेफिनेटली आना यहाँ पे आप। ये है धर्मशाला का साइड। जब आने के टाइम पे हम लोग इसी रास्ते से धर्मशाला से मैकलेडगंज जाएंगे, बट बिफोर दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द धर्मशाला मॉल रोड। रोपवे ने जहाँ पे हम लोगों को छोड़ा वो टैक्सी स्टैंड के एकदम नज़दीक है, मतलब बाहर निकलते ही सामने टैक्सी स्टैंड आपको दिखेगा। और मैकलेडगंज से ये काफ़ी ऑल्टीट्यूड के मामले में काफ़ी नीचे है, धर्मशाला का ऑल्टीट्यूड में आता है लाइक 4800 फीट फ्रॉम द सी लेवल। टैक्सी स्टैंड से बाहर निकलते ही आपको सीधा दिखेगा धर्मशाला का मेन मार्केट एरिया। इधर धर्मशाला के टैक्सी स्टैंड में धर्मशाला और उसके आसपास क्या क्या देखने के लिए है पूरा लिस्ट दे दिया है ये लोगों ने। हर एक का अलग अलग सेगमेंट दिया हुआ है, जैसे धर्मशाला 10 पॉइंट व्यू, मैकलेडगंज 6 पॉइंट व्यू। तो ये वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो। तो दिस इज़ द मेन हैपनिंग प्लेस ऑफ धर्मशाला, आप बोल सकते हो धर्मशाला मार्केट। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैकलेडगंज का जो मार्केट था वो और भी बहुत बड़ा था एंड उसका वैरायटीज भी बहुत था। ब्रो यू आर फीलिंग द हीट? वेरी हॉट, वेरी हॉट। इसमें इतना ज्यादा धूप है ना, ये कवर करके चलना पड़ रहा है, मतलब ये तो स्किन जल रहा है। वी लिटरली वरीड अबाउट द टेम्परेचर, कैसा फोरकास्ट रहेगा, बारिश होगा कि नहीं, बट बहुत ज्यादा धूप है। चौड़गंज में ठंड है क्योंकि काफी ऑल्टीट्यूड में है। वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, कभी कभी घूमते घूमते हम लोग भूल जाते हैं दैट वी नीड टू स्टे हाइड्रेटेड एज वेल। तो अभी धर्मशाला मार्केट पे हम लोग एक जूस का दुकान दिखा जो कि बहुत रिजनेबल प्राइस में है। वी आर हैविंग ऑरेंज जूस राइट नाउ फॉर जस्ट 60 रुपीज। ये अगर मैं कैफे में पीता इट विल बी एटलीस्ट 140-150 रुपीज़, सो बेटर टू हैव इट हियर ओनली। चीयर्स। कैसा मैं बोलूँ, लाइक काइंड ऑफ बैड न्यूज फॉर अस, आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग टू सी द धर्मशाला HPCA क्रिकेट स्टेडियम। कैसा मैं बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ द अपकमिंग टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड स्टार्टिंग फ्रॉम 7th of March 2024। उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करना है, उसके लिए स्टेडियम अभी बंद है फॉर द लोकल टूरिस्ट। तो उसी के लिए हम लोग अभी धर्मशाला छोड़ के डिसाइड किया मैकलेड का सीधा जाते हैं। दिस इज अ बिग मिस, बट कुछ कर नहीं सकते, टेस्ट मैच का शेड्यूल है, क्या करें। टाइम टू लीव धर्मशाला। टाइम टू लीव धर्मशाला, वापस जाते हैं टुवर्ड्स मैकलेडगंज। सिमिलर टाइप ऑफ व्यूज है, कुछ चेंजेस नहीं है। केबल कार राइड, मैकलेडगंज पहुंच गए। 12-15 मिनट का ही जर्नी था, तो अप एंड डाउन 25 मिनट्स लाइक एज आई मेंशनड। नो इट वाज एक्चुअली गुड, इट इज वर्थ इट, आपको भी आना चाहिए। अगर क्योंकि धर्मशाला अगर आप जा रहे हो तो टैक्सी लोगे, उसमें भी अगर आप एक जन हो तो 300-400 रुपए लग जाते हैं, और राउंड ट्रिप का तो आपको 600 रुपए लग जाएगा। तो उससे अच्छा ये आप ले लो, स्पेशली अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो फिर अच्छा है। और अगर आप फैमिली के साथ भी हो, फ्रेंड्स के साथ भी हो, ये इसमें मजा आएगा करके, तो आप ट्राई कर सकते हो। वी कैन रियली फील द टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब धर्मशाला में इट वॉज क्वाइट हॉट, मतलब बहुत तेज धूप था। इधर आके लग रहा है हाँ ठंडे जगह पे आए हैं, ऑल्टीट्यूड थोड़ा डिफरेंस है, राइट? हाँ डिफरेंस है, और यहाँ पे धूप अच्छी लग रही है, और मतलब थोड़ा ज्यादा धूप भी नहीं है, वेदर भी ठंडा है तो अच्छा लग रहा है। नीचे बहुत ज्यादा गर्मी थी और धूप अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ पे अच्छा लग रहा है। सो फ्रॉम बोथ ऑफ अस टू दिस गोंडोला राइड, फुल थम्स अप वाला रेटिंग जरूर करना, मस्ट रिकमेंडेड। इफ यू आर गोइंग टू सर्च टॉप कैफेज एंड बेकरीज एट मैकलेडगंज, देन वोसर कैफे एंड बेकरी का नाम जरूर दिखेगा। ये एकदम हम लोगों का जॉस्टल जहाँ पे हम लोग रुके हैं उधर से एकदम नजदीक में है, विद इन 100 मीटर्स। तो अभी अंदर जाके देखते हैं क्या है। आई कैन सी मेनी टाइप ऑफ केक्स आर अवेलेबल हियर, लाइक कैरेट केक, चॉकलेट टर्ट, आमंड टर्ट, वॉलनट टर्ट, बहुत सारा का केक्स अवेलेबल है। गॉट दिस पीच टी,
आई डोंट नो हाउ दिस विल टेस्ट. अलग से शुगर लेना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, इट्स ऑल गुड. यू नो इफ यू हैव यू नो टेस्टेड दिस ज़ुमज़िन, इट्स अ पीच वाइन, इट्स ऑलमोस्ट द सेम, इट्स वेरी गुड. कलर तो वैसे ही लग रहा है. कलर नो, पीच वाइन इज अ लिटिल बिट येलोइश इन कलर, लुक्स लाइक स्पार्कलिंग वाइन, बट दिस इज अ बिट रेडिश. बट टेस्ट अच्छा है ना? बहुत अच्छा, रिकमेंडेड. We got this carrot cake here at Huasar Cafe and Bakery, and we'll be having this with this beautiful backdrop of Dhauladhar Range. बहुत spongy है, you know, एकदम sugar, it's very less. Carrot का थोड़ा थोड़ा flavor आ रहा है, and it's so good, so nice. So right now having this walnut tart, taste काफी unique है, but थोड़ा मीठा ज़्यादा है. वैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं मीठा बहुत खाता हूँ. Looks delicious, see? We are here at the final spot of the day at Dharamshala, that is the Naddi Hills viewpoint. Naddi Hills is known for its sunset. अभी बज रहा है 5:15 in the evening, तो अभी भी 30-40 मिनट तो है to see the sunset. And this is Naddi village. तो यहाँ पे बहुत सारा दुकान भी है, आप वो जगह घूम के देखो. और जब sunset का time होगा तो इधर से आके वहाँ पे spelling है NADDI, Naddi. तो यहाँ पे मैं time lapse के लिए अभी कैमरा को बिठाऊंगा, देखते हैं कैसे आता टाइम लैप्स. मैक्लोडगंज के आसपास दो तीन ऐसा जगह है, गिमिक टाइप है, मतलब ओवर हाइप्ड है, ऐसा कुछ खास नहीं है. वैसे एक लेक था डल लेक बोल के, सेम स्पेलिंग लाइक कश्मीर का डल लेक, वही सेम स्पेलिंग है. जब वो लेक मैंने देखा है, माय फर्स्ट एक्सप्रेशन वाज लाइक ये क्या है, मतलब ये तो बहुत छोटा सा एक तालाब है. आपको बहुत थोड़ा रिसर्च करके आना पड़ेगा. बट हम लोगों ने चूज किया है नड्डी हिल सनसेट पॉइंट. योर नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी हाउ टू रीच दिस प्लेस फ्रॉम मैक्लेटगंज. तो मैक्लेटगंज का जो टैक्सी स्टैंड है, वहां से कोई भी टैक्सी पकड़ो, ज्यादातर ऑल्टो ही आपको मिलेगा, जिसमें चार लोग आराम से फिट हो जाओगे. तो आने जाने का अप एंड डाउन प्राइस इज 500 रुपीज फिक्स प्राइस विथ 30 मिनट्स ऑफ वेटिंग टाइम. नाउ इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर स्टे हियर मोर देन 30 मिनट्स, देन यू नीड टू पे मोर. तो हम लोगों को पता था कि 30 मिनट पे नहीं होने वाला है, दैट्स व्हाई वी पेड 600 रुपीज एंड मेड श्योर दैट ही विल वेट टिल द सनसेट हैपेंस. नाउ लेट्स सी एट व्हाट टाइम द सन इज सेटिंग डाउन. चीयर्स. आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ, डिड यू रियली एंजॉय दैट सनसेट वाला टाइम लैप्स शॉट. आई होप यू मस्ट हैव. आज के लिए धर्मशाला ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं. मैंने जितना हो सके पॉइंट्स आप लोगों को दिखाया. लाइक ऑलवेज इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल द बॉन्गो वेफर टू स्टे नोटिफाइड अबाउट आवर अपकमिंग ट्रैवल ब्लॉग्स. नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बोलना कुछ क्वेरीज है, कैसे लगा पूरा व्लॉग, कोई भी सवाल हो. एंड लेट मी नो डिड यू रियली लाइक द हिमाचल सीरीज दिस टाइम. बिसाइड्स यू कैन डीएम योर क्वेरीज ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज आई एम रॉ 92. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून विथ येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड. बाय बाय.